मैं आचार्य श्याम त्रिपाठी आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप तक मैं अपने चैनल के माध्यम से अच्छी अच्छी जानकारी पहुंचाता रहूंगा। तो दोस्तों, आज मैं धनु राशि के बारे में बताने जा रहा हूं। धनु राशि के लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके तरह चारों तरफ से दुश्मन लगे हुए हैं, निगाह रखा करते हैं। जहां भी आप घर से निकलकर बाहर जाते हैं तो आपके पीछे साया की तरह लगे रहते हैं। दोस्तों, उनके द्वारा आपका नुकसान होने जा रहा है, इसलिए आप लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि शनिदेव महाराज की अगर आप पूजा अर्चना एक लोटा चंदन या इत्र डाल करके आप जल देते हैं शनिदेव को, तो आपके दुश्मन शांत हो जाएंगे, या शहद में अपने दुश्मन का नाम लिख करके डाल करके अगर शनिदेव को अर्पण कर देते हैं तो आपके दुश्मन जैसे काई की तरह छट जाएंगे, आपसे दूरी बना लेंगे और आपके नजदीक तक नहीं भटकेंगे। इसलिए मित्रों, धनु राशि के लोग दुश्मनों से सावधान रहें। अच्छा कार्य जो भी आप करना चाहते हैं तो लोग लगे रहते हैं, आपके जो है दुश्मन चारों तरफ लगे रहते हैं, इसलिए अपने मकान में गोल आकार का एक शीशा, एक दर्पण जरूर लगाएं। अगर धनु राशि के लोग एक दर्पण एक शीशा लगाते हैं तो ये जान लीजिए, जैसे सूरज की किरण बाहर निकलती है रोशनी प्रकाश फैलाते हुए, ऐसे आपके दुश्मन दूर हट जाएंगे, आपके नजदीक संभव नहीं है कि वो आ सके, आपका चाकर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए धनु राशि के लोग शनि महाराज को इत्र डाल करके जरूर जो है उनके चरणों में एक लोटा जल दें। और दोस्तों, अगर आपको धनु राशि के लोगों को विजय प्राप्त करना है तो जहां जिस क्षेत्र में जाएं या घर से बाहर निकलें या घर से कहीं से आ रहे हैं तो अपना बायां पैर अंदर रख करके घर में प्रवेश करेंगे तो आपके दुश्मन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपकी प्रगति होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर बायां पैर रख करके अंदर जाते हैं तो निश्चित जान लीजिए आपके कार्य बाधाएं दूर हो जाएंगी, आपकी कार्य प्रगति पर हो जाएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होने लग जाएगी, ये मेरा दावा है। दोस्तों, अगर घर से निकलते हैं तो अपने इष्ट, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उस देव को स्मरण करके निकलें कि प्रभु आप मेरे साथ चलें, माता आप मेरे साथ चलें, हमारे जीवन काल में जो भी कठिनाई आए उसको दूर करते हुए हमारे प्रगति के ऊपर आप काम करते रहें। हे माता, हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें, वह इष्ट आपका जरूर सहायता करेगा। धनु राशि के भाग्य भी उदय होने जा रहे हैं, लेकिन 21 जून से भी आपके भी भाग्य बदलने जा रहे हैं, आपके मनोकामना भी पूर्ण होगी, धीरे धीरे आपकी प्रगति होने लग जाएगी, आपके घर में भी मांगलिक कार्य 2023 मार्च के पहले आने जा रहा है। इसलिए आप लोग इस चैनल को लास्ट तक जरूर देखें, इस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको सही फल के बारे में जानकारी हो पाएगी। लेकिन मित्रों, जो मैं बता रहा हूँ, घर से निकलें तो दायां पर बाहर निकाल करके निकलें, और घर में जब अपने जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो बायां पैर रख करके प्रवेश कीजिए, आपको हर क्षेत्र में विजय होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, आपकी प्रगति धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, ये मेरा दावा है। क्रम से यह नियम जरूर बना लें। जय श्री राम।